जी अम्मी, बताइए क्या बात है। हाँ भाई, हो मेरे, मैंने आपकी हर बात को अहमियत दी है भाई, बाप से बढ़कर मान दिया है आपको, इसलिए इसलिए क्या इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जारा को अपने घर की बहू बना लें, फरहान और जारा का रिश्ता तय करते हैं। लेकिन अभी तो फरहान अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ है। हाँ तो मैंने आपसे कब कहा कि आप शादी कर लें, अभी आप दोनों का रिश्ता तय कर दें ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए कि मेरा भाई मुझसे नाराज नहीं है। भाई मेरे हिसाब से तो ये रिश्ता दोनों बहन भाइयों के रिश्ते को मजबूत कर देगा, और आगे तुम्हारी मर्जी। मैं इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता अम्मी, मुझे फरहान से पूछना होगा, उसकी माँ से पूछना होगा। पूछ लो, अरे भाई सबसे पूछ लो, तुम्हारा अपना तो कोई फैसला ही नहीं है। पता नहीं कैसे बाप हो तुम, अब अपनी बीवी की बातों में आकर तुम अपनी बहन को इनकार करना चाहते हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। I would be more than happy to make Zara my daughter-in-law, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बस भाई, मुझे अपना जवाब मिल गया। एक ही बेटी है मेरी, उसकी फिक्र रहती है मुझे, पता नहीं कहाँ भी आकर जाएगी, वो लोग कैसे होंगे। आमिर भी बार बार फोन करता रहता है, वो चाहता है उसके दोस्त के बेटे से जारा की शादी हो जाए, जबकि वो लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। पता नहीं, एक ही बेटी है मेरी, उसको भी मुझसे दूर करना चाहते हैं। मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब मत बेटा, किस बात का बदला लेना चाह रहे हो अपनी बहन से? और जारा तुम्हारी बेटी की तरह है, क्या तुम चाहोगे कि उसका ब्याह किसी अरे गरे के साथ हो जाए? इसके शौहर को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, अरे बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। मैं छोड़ दे भाई को, अब वही होगा जो मेरी बेटी की किस्मत में लिखा होगा। अच्छा ठीक है, तुम प्लीज रो मत, मैं जारा को आमिर के पास नहीं जाने दूंगा, मैं जारा को अपनी बहू बना लूंगा। क्या? देखो सरमत बेटा, अब अपनी बात से ना पलट मत जाना, जैसे उम्मीद की दफा पलट गए थे। नहीं पलटूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा, अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? बस भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मेरी उम्मीद को तोड़ना मत, वादा कर। मैं वादा करता हूँ कि फरहान की शादी जारा से ही कराऊंगा।